नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक सरल और आसान परंतु बहुत शक्तिशाली और असरदार वशीकरण यंत्र प्रयोग के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप सिर्फ नाम लिखकर किसी भी मनचाहे स्त्री या पुरुष या बिछड़े हुए प्रेमी को अपने वशीकरण के प्रभाव में ला सकते हो। यह एक बिना वशीकरण मंत्र का वशीकरण प्रयोग है, जिसमें किसी भी प्रकार की पूजा विधि की आवश्यकता नहीं है। वशीकरण यंत्र बनाने की विधि मैं आपको बता रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। यह वशीकरण यंत्र प्रयोग आप किसी भी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त या शुभ तिथि पर कर सकते हो। आगे वीडियो में दिखाए गए वशीकरण यंत्र को आप भोजपत्र या सफ़ेद कागज पर केसर के पानी से किसी भी नुकीले लकड़ी के टुकड़े से लिख सकते हो, या इसे भोजपत्र या सफ़ेद कागज पर हड़ताल, जिसे अंग्रेजी में येलो ऑर्पिमेंट कहते हैं, उससे भी किसी भी नुकीले लकड़ी के टुकड़े से लिख सकते हो। इस वशीकरण यंत्र के इस्तेमाल के दो अलग तरीके हैं, लेकिन दोनों का फल एक जैसा ही होगा। अब मैं आपको पहली विधि इस प्रकार से है उसके बारे में बता रही हूँ। अगर आपने यह वशीकरण यंत्र केसर से बनाया है तो उसे अच्छी तरह से फोल्ड करके किसी भी धातु के लॉकेट में डालकर एक तावीज़ की तरह अपने गले में धारण करना है। अब मैं आपको दूसरी विधि इस प्रकार से है उसके बारे में बता रही हूँ। अगर वशीकरण यंत्र को हड़ताल से बनाया है तो उसे रोल करके पूरी तरह से एक धागे से लपेटना है और उस लपटे हुए यंत्र को जमीन में गाड़ना है। फिर रोज़ आपको एक पानी का ग्लास लेकर उस जगह पर जाना है और कुल्ला करके अपने मुंह में का पानी उसी स्थान पर डालना है जहां आपने वशीकरण यंत्र को गाड़ा है। यह दोनों तरीके मन चाहे स्त्री या पुरुष को आपके शक्तिशाली वशीकरण के प्रभाव में ला सकते हैं। इन दोनों तरीकों में से मन चाहे व्यक्ति का वशीकरण करने के लिए आप कोई भी एक तरीका अपना सकते हो। कृपया इस शक्तिशाली वशीकरण यंत्र का मजाक या गलत कारणों के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। मित्रों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।